Assalamu alaikum, students. I hope you all are fine. This is your video lecture for this subject, Computer Science, and I am your computer teacher, Sabrina Mushta. And in today's video lecture, I will teach you about the remaining two generation languages, uh, two generation uh, computer languages, that is, fourth generation and fifth generation. लास्ट टाइम जब हम जो आपका लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको तीन जनरेशन पढ़ाई थी दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन जिसमें फर्स्ट और सेकेंड जो थी वो लो लेवल लैंग्वेज थी और थर्ड जो थी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी तो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको तीन ये जनरेशन लैंग्वेज पढ़ाई थी अब इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी फोर्थ और फिफ्थ वीडियो लेक्चर सॉरी फोर्थ एंड फिथ जनरेशन लैंग्वेज तो आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज अब हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये बनाई गई थी सो दैट प्रोग्रामर को कम मतलब उसको कम एफ़र्ट लगान लगाना पड़े कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखने में तो ऑब्वियसली जब उसको कम एफर्ट्स लगाने पड़ते थे तो उस वजह से टाइम भी कम लगता था एप्लीकेशन बनाने में लगता है एप्लीकेशन uh, बनाने में कम टाइम लगता है या उसको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो या कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम बनानी हो तो उसको टाइम कम लगता है अब जब उसको टाइम भी कम लगता है एफ़र्ट्स भी कम लगते हैं तो ऑब्वियसली वो पैसे भी कम लेता है वो प्रोग्राम बनाने के ठीक है अगर कोई प्रोफेशनल प्रोग्रामर uh, होगा ठीक है आज जिसने सीखी होगी अब आप उसके पास जाओगे बोलोगे मुझे इस तरह से बनाना है uh, कोई एप्लीकेशन है ठीक है तो आप वो आपको बोलेगा कि आपको किस में बनानी है अगर आप उसको बोलोगे कि फोर्थ जनरन जनरेशन लैंग्वेज मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में आता है पाइथन आता है पर्ल आता है रूबी में आता है अब अगर उसको आप बोलोगे कि मुझे पाइथन में बनाना है पाइथन में आप मुझे पाथन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप मुझे एक ऐप बना के दीजिए इस तरह से तो वो वो उसके लिए कम मतलब आपको कॉस्ट करेगा क्योंकि उसको एफर्ट्स भी कम लगेंगे इसके लिए उसको इसके लिए टाइम भी कम लगेगा तो ऑब्वियसली वो आपसे पैसे भी कम लेगा उसके लिए क्योंकि जो ये होती है जो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है ये बहुत ज़्यादा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है यूज़र फ्रेंडली इन सेंस कि ये जो है प्रोग्रामर को जल्दी समझ में आ जाती है वो इजीली कर पाता है क्योंकि ये बनाई ही गई है उस तरीके से कि ये प्रोग्रामर को इजी हो जाए समझना भी और फिर करना भी और इसमें क्या होता है जो ये जो एप्स हम बनाते हैं ना फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज से वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम कर सकते हैं यूज़ ईज़िली तो वो भी एक और बेनिफिट है इसका तो जैसे कि मैंने कहा ये इजी होते थे आ, ये इजी होते हैं बनाने तो अगर किसी ने कम भी अगर कोई कंप्लीट कोर्स नहीं करेगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर वो कम ही भी पढ़ेगा तो तब भी जाके वो छोटी मोटी ऐप या छोटा मोटा प्रोग्राम बना सकता है जो फिर ईजीली रन होगा तो आ, और आ, इसकी एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बोला पाइथन है पर्ल है रूबी है जो हमारे फ़ोन में होती है एप्लीकेशंस आजकल ये यूजुअली पाइथन में बनाई जाती है अब हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये इनके फीचर्स है जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज है इनके फीचर्स है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पे क्या ये फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इसलिए बनाया गया है सो दैट कंप्यूटर जो है वो एज, वो ईजिली समझ पाए हम लोग क्या बोल रहे हैं मतलब हम लोग के एफ़र्ट्स जो ह्यूमन है जो यूज़र है उसके एफर्ट्स और ज़्यादा कम हो कंप्यूटर के साथ इंट्रैक्ट करने में तो जैसे कि मैंने आपको बोला हमें पहले क्या देना पड़ता था हम लोग को करना पड़ता था ऐसे आ, टैप सॉरी टाइप करना पड़ता था इस पर कीबोर्ड पर इनपुट देने के लिए या कुछ भी लेकिन फिफ्थ जनरेशन जो ये यहाँ पे जहाँ पे इनकी जो फीचर्स है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फीचर्स है इसमें क्या करते हैं अगर हम वॉइस भी वो रिकॉग्नाइज करते हैं अगर हम बोलते हैं जैसे कि रोबोट्स हैं मैंने आपको बोला वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं रोबोट्स आपने मूवीज में होगा या डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा या कहीं और पे देखोगा आपने वहाँ देखा होगा कि क्या करते हैं वो ह्यूमन वो रोबोट्स से ऐसे बात करते हैं जैसे वो किसी ह्यूमन के साथ बात कर रहे हो और जो रोबोट्स है वो समझ जाते हैं ठीक है ऑल दो ऐसे या मतलब आ, अगर आप देखेंगे वो एलेक्सा जो है एलेक्सा को हम कैसे यूज़ करते हैं उसको उसको हम बस ऐसे बोलते हैं ठीक है लाइक एलेक्सा सर्च कंप्यूटर तो वो सर्च करता है फिर हमें वो बोलता है कि ये ये सर्चेज हुए हैं मतलब मैंने जो सर्च किया है ऐसे ऐसे सर्च हुआ तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है तो इससे क्या होता है यूज़र के जो एफर्ट्स होते हैं वो कम होते हैं कम हो जाते हैं कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में या कोई भी काम करने में कंप्यूटर के साथ यहाँ पे क्या होता है आ, जैसे मैंने कहा एलेक्सा ये स्पीक रिकनिशन इसको कहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है इसका फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और आ, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला अभी भी जो कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स को मशीन लैंग्वेज ही समझ में आती है मशीन लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज बाइनरी कोड ही आज भी कंप्यूटर को समझ में आता है अब बस फर्क इतनी है जो इंटरप्रेटर्स बनाए गए और फिर उन्हीं इंटरप्रेटर्स या कंपाइलर्स को सोफिस्टिकेट किया गया सो दैट यूज़र के लिए ह्यूमन के लिए भी ईजी हो जाए कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना और uh, यहाँ पे ग्राफिक्स भी इसमें जो होता है फाइव जी में जो होता है, है यहाँ पे ग्राफिक्स भी और ज़्यादा मतलब अच्छे बनाए गए हैं सो दैट ऑब्वियसली एज आई सेड ह्यूमन एफर्ट्स कम हो इसकी एग्जांपल है प्रोलॉग है मरकरी है एल है ये फाइव uh, जी की ये है एग्जांपल है तो तो आज हमने क्या पढ़ा आज मैंने आपको फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज पढ़ाई जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो होती है हाई लेवल लैंग्वेजेज़ होती है और फर्स्ट और सेकंड जो होती है ये लो लेवल लैंग्वेज होती है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए होती है क्योंकि ये मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल ज़्यादा होती है मतलब ये थोड़ा इंग्लिश फॉर्मेट में होती है ज़्यादा और फिर इनको क्या करना पड़ता है जब आ, हम लोग ये इस मतलब एज़ इनपुट देते हैं कंप्यूटर में तो फिर जब इसको ये प्रोग्राम रन करना होता है तब क्या होता है तब आ, इसको इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है तो वो क्या वहाँ पर कंप्यूटर में ये इंटरप्रटर हो, होते हैं इंटरप्रेटर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं फिर इंटरप्रटर्स क्या करते हैं वो जो हमारी लैंग्वेज होती है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमने लिखी होती है ये उसको कन्वर्ट करती है बाइनरी लैंग्वेज में उसके बाद ये कंप्यूटर इस पर प्रोसेस करता है इसको एग्जीक्यूट करता है ठीक है इंटरप्रेटर की मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दूँ मतलब फ़ॉर uh, एग्ज़ाम्पल uh, मैं कश्मीरी हूँ मुझे इंग्लिश आती है या मुझे उर्दू आती है या हिंदी आती है अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी uh, रबिक स्टेट में जाती हूँ या कोई मतलब कोई आ, कोई इंसान आता है मेरे सामने जिसको अरबिक आती हो और बाकी लैंग्वेज नहीं आती हो तो अब ना उसको आती है मेरी लैंग्वेज और ना ही मुझे आती है उ, उसकी कोई लैंग्वेज ठीक है तो अब मैं उसके साथ बात कैसे करूँगी या वो मेरे साथ बात कैसे करेगा हम बीच में कोई किसी ऐसे इंसान को लाएंगे जिसको उसकी उसको अरबिक भी समझ में आती हो और कश्मीरी भी समझ में आती हो या इंग्लिश भी समझ में आती हो या उर्दू भी समझ में आती हो ठीक है जैसे ट्रांसलेटर होता है उसको हम ट्रांसलेटर कहते हैं तो वो क्या करेगा जो मैं बोलूँगी तो वो उस अरबिक इंसान जो होगा आगे से उसको अरबिक आती होगी वो उसको समझाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और वो वहाँ से जो बोलेगा जो वो अरबिक होगा वो उसको बोलेगा किसको इंटरप्रेटर को जो बीच में होगा ट्रांसलेटर वो उसको बोलेगा और वो ट्रांसलेटर जो है वो मुझे समझाएगा ठीक है तभी जाके हम कुछ काम कर सकते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल हमें कोई बिजनेस करना हो गया कुछ और तो तभी हम वो कर सकते हैं ठीक है ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इंटरप्रेटर होता है कंप्यूटर में वो हमारी लैंग्वेज भी समझता है मतलब वो हाई लेवल लैंग्वेज समझता है फिर उसको वो कन्वर्ट करता है किस में लैंग्वेज में और किसको करता है फिर कंप्यूटर को फीड फिर जब कंप्यूटर से आता है वापस आउटपुट वो होता है ना बाइनरी लैंग्वेज में ही तो वो क्या करता है फिर इंटरप्रेटर वो उसको फिर वापस कन्वर्ट करता है किस में ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में जो मुझे समझ में आए और वो उसी हिसाब से वो फिर आउटपुट भी देता है ठीक है तो आ, ये हो गए पाँच जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा एंड एज आई ऑलवेज से किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो मुझे बोल सकता है या कोई क्वेश्चन होगा वो भी मुझे बोल सकता है ठीक है एंड टॉकिंग अबाउट लाइक योर होमवर्क तो हम लोगों को पता है जो जनरेशन गई है आई नो दे आर इम्पॉर्टेंट टू मतलब पढ़ने के हिसाब से वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक हम लोग हिस्ट्री नहीं जानते जब तक हम लोग बेसिक नहीं समझ पाएंगे तब तक हम लोग आगे नहीं चल पाएंगे बट तो जितना हम लोग मतलब अभी जो फिफ्थ uh, जनरेशन है अब इसके बारे में थोड़ा सा सर्च करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे आप इंटरनेट से करें या कहीं और से किसी फ्रेंड से किसी कज़न से किसी रिलेटिव से इसके बारे में आप करिए और ख़ुद भी थोड़ा जानने की कोशिश करिए इंटरनेट से इसके बारे में कि ये क्या है क्योंकि इट इज़ आर फ्यूचर हम इसकी मतलब अभी फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हुई है इंट्रोड्यूस लेकिन अभी इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप इसके बारे में करके आएंगे थोड़ी सी सर्च रिसर्च तो आई गेस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे थैंक यू अल्लाह हाफिज़